हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पेरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास 8th चैप्टर अपने को रैशनल नंबर इंट्रोडक्शन आप पहला पढ़ चुके हैं, तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर जा रहे हैं 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन आप कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। आप इन दसना है कि रैशनल नंबर है, जेडे नहीं है वो क्यों नहीं है, ये चीज़ आप दसनी है। सब तो पहला रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की होंगे, रैशनल नंबर, नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जेडे नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म च है। हुण पी की हुंदा है ते क्यू की हुंदा है, जेड़ा पी है ते क्यू है, दे आर इंटीजर्स। पर एक कंडीशन हुंदी है, कहिंदा क्यू कदे भी जीरो दे इक्वल नहीं हो सकता। पी कैन बी जीरो पर क्यू कैन नॉट बी जीरो। उपर वाला जीरो हो सकता है पर थले वाला कदे भी जीरो नहीं हो सकता। जिन्हां दे विच डिनोमीनेटर जीरो आ गया वो रैशनल नंबर नहीं आउणगे। तो रैशनल नंबर किहड़े हुंदे आ जो पी बाय क्यू की फॉर्म च है। पी ते क्यू अपने कोल की है, इंटीजर है, पर क्यू जीरो दे इक्वल नहीं हो सकता। तो अपने कोल जो फस्ट पार्ट अपने कोल की कह रहा, थ्री बाय फाइव। हुण देखो उपर वाला भी की है इंटीजर, थले वाला भी की है इंटीजर, ना ही कोई जीरो थले मतलब डिनोमीनेटर जीरो भी नहीं है। सो दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ये अपने कोल की आ गया रैशनल नंबर आ गया। जे पूछे पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 3 ते क्यू की वैल्यू कितनी है अपने कोल 5 है। ठीक है, उपर वाला इंटीजर कितना है 3, थले वाला इंटीजर की वैल्यू कितनी है अपने कोल 5। सो पी इज इक्वल टू 3 एंड क्यू इज इक्वल टू 5। सो यस इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। नेक्स्ट बी पार्ट अपने कोल की है 0/7। हम देखो पी की वैल्यू कितनी है अपने कोल 0 ते क्यू की वैल्यू कितनी है 7। मैं कंडीशन की दस्या सी पी 0 हो सकता है कोई गल नहीं, पर क्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यह भी अपने कोल की है रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी अपने कोल की है रैशनल नंबर, क्योंकि उपर वाला 0 हो सकता है पर थले वाला 0 नहीं हो सकता। सो यस इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट 1/8। हुण इत्थे पी दी वैल्यू, पी इज इक्वल टू 1, क्यू इज इक्वल टू 8। पी दी वैल्यू 1 है, क्यू दी वैल्यू कितनी है अपने कोल 8 है। ठीक है, ना कोई 0 है इन्हां विच, थले वाला 0 नहीं है किसी भी। सो दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ये भी अपने कोल की बन गया रैशनल नंबर। सो यस इट इज़ ऑलसो अ रैशनल नंबर। पहले तिना में आप पढ़िया पी बाय क्यू फॉर्म है, क्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो पहले तिने अपने कोल की है रैशनल नंबर। उस तो बाद डी पार्ट दे विच की है 11/0। हम नेक्स्ट आ गया अपने कोल 11/0। जे आप इतने देखिए पी की वैल्यू 11, क्यू की वैल्यू कितनी है 0, पर उन्हें अपन की कहा से क्यू तो कदम 0 हो ही नहीं सकता, ये 0 हो गया। दैट मीनस ये की है जो कंडीशन उन्होंने फॉलो नहीं कर रहा। सो दैट इज नॉट आ रैशनल नंबर, इट इज़ नॉट आ रैशनल नंबर। ये अपने को रैशनल नंबर नहीं है, जेड़ा कि कंडीशन नू फॉलो नहीं करेगा। कंडीशन की है क्यू 0 नहीं हो सकता। ठीक है, पर इन्हें फिर भी वो कंडीशन नू फॉलो किया, दैट मीनस ए की है रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप लिखांगे दिस इज नॉट आ रैशनल नंबर। नेक्स्ट अपने को -5/19। पी दी वैल्यू -5, क्यू की वैल्यू 19। ये सियाणा बच्चा है, इन्हें कंडीशन नू फॉलो किया, कंडीशन की सी क्यू 0 नहीं हो सकता, ये सियाणा बच्चा है, इसलिए अपने कोल की है रैशनल नंबर। ठीक है, इन्हें अपनी कंडीशन नू फॉलो किया, जिहड़ी कंडीशन क्या सी, पर क्यू 0 नहीं हो सकता, तो यह अपने कोल की आ गया रैशनल, ए की है रैशनल नंबर नहीं है। नैक्सट लास्ट है -18/0। नैक्सट अपने को -18/0। हुण -18/0 जो आप पी देखिए, पी की वैल्यू तो 18 है, क्यू की वैल्यू कितनी है 0, ये भी आपां नूं क्या फॉलो नहीं करता। ठीक है, इन्हें अपनी कंडीशन नूं फॉलो नहीं किया, कमला बच्चा, इसलिए नॉट आ रैशनल नंबर। इन्हें की है कंडीशन नूं फॉलो नहीं किया, इन्हूं कंडीशन दसी सी पर क्यू 0 नहीं कर सकते आपां, फिर भी इन्हें क्यू नूं 0 बनाता। जे 0 बनाता तो आप भी इन्हू लिखता भी तू रैशनल नंबर नहीं है, भजा इतों। ठीक है, अपने को रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी ते ई, ये अपने को रैशनल है,
ਇਹ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.1 ਦਾ।